जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के टॉप 10 तीर्थ स्थल के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जेल चर्च रांची, गोसनर एवेंजेलिकल चर्च। रांची के सबसे पुराना गिरजाघरों में से एक है। यह 2 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया था, अतः यह क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। नंबर 9, पारसनाथ स्थल, जिसे श्री संवेद शिखर भी कहा जाता है। पारसनाथ रेंज एक पर्वत श्रृंखला है जो कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसी पहाड़ी पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को ज्ञान मिला था, अतः इस पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। यह जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय स्थलों में से एक है। पहाड़ पर शिखरजी जैन मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। माना जाता है कि पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। नंबर 8, देवड़ी मंदिर तमार। यहाँ देवी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमा है जो बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। यह मंदिर रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर रांची टाटा रोड तमार शहर की ओर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण देवी दुर्गा काली की 700 साल पुरानी मूर्ति है। मूर्ति के 16 हाथ हैं, आमतौर पर देवी दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में भक्त अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए बांस पर पीले और लाल रंग के पवित्र धागे बांधते हैं। नंबर 7, सूर्य मंदिर बुंडू। भगवान सूर्य की आराधना के लिए समर्पित यह मंदिर बहुत ही मनोहारी है। रांची से 37 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा रोड एक पहाड़ी पर स्थित यह सूर्य मंदिर बुंडू के समीप है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण विशाल रथ के रूप में किया गया था। मंदिर में शिव, पार्वती और गणेश सहित अन्य देवी देवताओं की मंदिर है। नंबर 6, इटखोरी का बुद्ध अवशेष और काली मंदिर। इस जगह पर बुद्ध परंपरा के प्राचीन अवशेष हैं और पास में ही भद्रकाली का भव्य मंदिर है। यह 35 किलोमीटर चतरा डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में और 16 किलोमीटर चौपारण के पश्चिम जीटी रोड के समीप स्थित है। पहाड़ी और जंगल से घिरी महानद नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक जलाशय है जिसकी अपनी एक प्राकृतिक सुंदरता है, अतः यहाँ आप अपने फैमिली के साथ तीर्थ करने जा सकते हैं। यह झारखंड का मुख्य पवित्र स्थलों में से एक है। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर और मेला रांची। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ रथ की तरह यहाँ भी रथ मेला लगता है और मंदिर भी पुरी धाम की तरह है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित 17वीं शताब्दी का मंदिर है। यह मंदिर 1691 में एक राजा के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर रांची के मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर है, अतः इस पहाड़ी पर से पूरा रांची दिखता है। नंबर 4, राजरप्पा का चिन्मस्तिका मंदिर। यह मंदिर रामगढ़ जिले में एक झरना के समीप स्थित है। इसे देश का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, जहां प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 लोग आते हैं, जिसे छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण देवी छिन्नमस्तिका के बिना सिर वाला देवता है। मंदिर बहुत ही पुराना है। मुख्य मंदिर के अलावा सूर्य देव और भगवान शिव जैसे विभिन्न देवी देवताओं के 10 मंदिर हैं। अतः यह झारखंड के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। आप यहां अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। नंबर 3, वासुकीनाथ मंदिर दुमका। देवघर के शिव मंदिर के अलावा हिंदू श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए भी आते हैं। वैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक दुमका जिला के वासुकीनाथ मंदिर में दर्शन नहीं किए जाते। वासुकीनाथ हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है। वासुकीनाथ मंदिर एक आकर्षण है और जसीडी दुमका नई रेल लाइन के समीप है। नंबर 2, बैद्यनाथ धाम देवघर। यह स्थान संथाल परगना के अंतर्गत आता है। देवघर में हर साल सावन के महीने में और महाशिवरात्रि में लाखों भक्त शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए आते हैं।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर नाम मिला है। देवघर अर्थात देवताओं का घर। अतः यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ भारत के अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। विदेश से भी पर्यटक आते हैं। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। यह शिव भक्त बिहार से सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। अतः यहाँ पर आप सावन के महीने में एक बार जरूर जाएं। और दोस्तों, देवघर का पेड़ा बहुत ही फेमस है और देवघर का मुख्य प्रसाद ही पेड़ा है। नंबर वन, बाबा टांगीनाथ धाम। डमरी गुमला झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बाबा टांगीनाथ धाम 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वैसे झारखंड के अधिकतर तीर्थ स्थल पहाड़ी पर ही स्थित है। बाबा टांगीनाथ धाम शिव स्थल होने के साथ साथ शक्ति तथा सूर्य एवं वैष्णव धर्म समूह के प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलती है। यहां महाशिवरात्रि तथा श्रावण मास कार्तिक पूर्णिमा में हजारों लाखों श्रद्धालुओं एवं भक्त पूजा के लिए आते हैं। यह गुमला से लगभग 50 किलोमीटर और डुमरी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झारखंड के एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। अतः यहाँ पर आप अपने परिजनों के साथ तीर्थ करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरा वीडियो? ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।